अब बॉलीवुड इंडस्ट्री का बदलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जहां सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर मचा रखा था गदर, तो वहीं अब गदर 2 के बाद बॉलीवुड के असली खलनायक यानी कि संजय दत्त भी लेकर आने वाले अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म खलनायक का सीक्वल यानी कि खलनायक 2। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2023 में अगस्त के महीने में संजय दत्त की फिल्म खलनायक ने 30 सालों का वक्त तय कर लिया है। आपको बता दें कि संजय दत्त की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में संजय दत्त के अलावा भी माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ अहम किरदारों की भूमिका में नजर आए थे, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म होने के साथ साथ बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म बन गई थी जिसे लोग आज भी देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और यही नहीं, संजय दत्त की बेस्ट परफॉर्मेंस खलनायक को ही कहा जा सकता है, जिसे सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। वहीं आपको बता दें कि अब संजय दत्त के चाहने वाले लोगों के लिए खलनायक मूवी के मेकर्स इस मूवी का सीक्वल यानी कि गदर 2 संजय दत्त के फैंस के लिए फाइनली लेकर आने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में सुभाष घई ने फिल्म में खलनायक 2 के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में बताया था कि हमारे कुछ राइट्स पर इन दिनों खलनायक 2 की कहानी पर काम कर रहे हैं, लोगों को पुरानी यादों से जुड़ना पसंद है और इस क्रम में खलनायक के बलराम उर्फ बल्लू फिर से बड़े पर्दे पर दिखाई दे सकते हैं। दरअसल गदर 2 की एक बड़ी सफलता के बाद लोगों में पूछना शुरू हो गई कि अब खलनायक 2 कब बनेगी, इसलिए मेकर्स इस पर विचार कर रहे हैं। फैंस को जल्दी इसके बारे में कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट मिलने वाली है। इसमें संजय दत्त के साथ बॉलीवुड का एक और नया सितारा देखने को मिलेगा। वैसे आप खलनायक 2 फिल्म को लेकर क्या कहना चाहते हैं, हमें कॉमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं। बाकी फिल्मों से रिलेटेड ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मिलूंगा जल्दी किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज से कर लो यार।